गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में कुछ पूछना? लास्ट क्लास से रिलेटेड अदिति? नो सर, नो डाउट। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस 2 मिनट और वेट करते हैं, 3 मिनट ओके उसके बाद स्टार्ट कर देंगे अभी। ओके। हेलो। यस सर। आली अभी आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों को ये सारी चीजें हमने कंप्लीट किया था, रेडियस ऑफ एनथ बोर ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ एनथ बोर ऑर्बिट। ठीक है, आज का जो टॉपिक है अपने पास वो है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। सबसे पहले इसे डिफाइन करेंगे। देखिए स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब हम कोई एक रेडिएशन पास कराते हैं थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर प्रिज्म, ठीक है, फॉर द डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के डिस्पर्सन के लिए, तो वहां पे क्या होता है, एक पैटर्न ऑब्टेंड होता है। पैटर्न मतलब फोटोग्राफ ऑब्टेंड होता है स्क्रीन पे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जिस रेडिएशन को पास कराते हैं थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप और प्रिज्म, ठीक है, डिस्पर्सन के लिए, तो एक स्क्रीन पे फोटो जो आता है, स्क्रीन पे ऑब्टेंड होता है फोटो, उसको उस रेडिएशन का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले कि व्हेन अ रेडिएशन इज पास्ड थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप और प्रिज्म फॉर द डिस्पर्सन ऑफ ऑल द रेडिएशन, फॉर द डिस्पर्सन ऑफ द रेडिएशन, नॉट ऑल द रेडिएशन, एक रेडिएशन पास कराएंगे उसी के डिस्पर्सन की बात कर रहे हैं। द पैटर्न और फोटोग्राफ, द पैटर्न ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ दैट रेडिएशन, स्पेक्ट्रम ऑफ दैट रेडिएशन, उस रेडिएशन का वो स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो टाइप का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो दो टाइप का होता है अपने पास। एक होता है आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम, और जो दूसरा होता है अपने पास वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब एनर्जी एमिट कर देता है उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम आता है उसको एमिशन कहते हैं, और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो स्पेक्ट्रम आता है उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमारे सिलेबस में बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसे लिख लीजिए। यस सर। आलिया, अब देखिए यहाँ पे अपने पास एक चीज, एक सवाल है कि ये न्यूक्लियस है आपका, और न्यूक्लियस से जितना दूर जाते हैं उतना एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा।
अदिति आपका आंसर? सर एक और बार रिपीट कर दीजिए कनेक्शन। जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये एन वन हो गया, ये एन टू हो गया, तो एनर्जी एन वन में ज्यादा होगा या एन टू में ज्यादा होगा? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगी। इंक्रीज देखिए इसलिए करता है, यहाँ पे क्या आता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, अगर रेडियस इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। ठीक है, लास्ट क्लास में तो यही पढ़ा था ना हमने, जबकि काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं आलिया, तो यहाँ पे क्या आता है के जेड ई स्क्वायर बाई आर, सॉरी टू आर आता है, आर स्क्वायर नहीं आता है, टू आर आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आता है, तो यहाँ पे आर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। क्लियर है? Yes. ये मैंने लिखवाया था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने जो मैंने पढ़ा रहा था। तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जब बात करते हैं हम लोग, तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब हमने डिस्कवरी किया, ठीक है, इसे पढ़ा, तो इसमें सीरीज आता है, कौन कौन सा सीरीज आता है उसी की बात करते हैं। फर्स्ट सीरीज जो होता है आपका वो होता है लाइमन सीरीज। क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीरीज कौन कौन से सीरीज हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डिस्कवर्ड बाई, ये तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे रीजन लाइमन सीरीज किस रीजन में पड़ता है, और यहाँ पे हम कर लेंगे एन वन और यहाँ पे एन टू, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, सबसे पहला होता है लाइमन सीरीज, ठीक है, दूसरा लाइमन के बाद ये याद होना चाहिए बाल्मर, लाइमन बाल्मर, फिर आ जाता है लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, और उसके बाद फंड, उसके बाद आ जाता है हम्फ्री। ठीक है, ये जो रीजन होता है सबसे पहला जो होता है लाइमन वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, बाल्मर जो होता है वो आपका विजिबल रीजन में होता है, और पास्चन के बाद क्या आ जाता है, सारे के सारे इंफ्रारेड में होते हैं। ठीक है, ये इंफ्रारेड में होता है, ये भी इंफ्रारेड में होता है, ये भी इंफ्रारेड में होता है, और ये फार इंफ्रारेड में होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो एन वन होगा लोअर एनर्जी लेवल इसका जो होगा वन होगा, और हायर एनर्जी लेवल इसका कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है। बाल्मर का लोअर एनर्जी लेवल जो होगा वो टू होगा, इसका थ्री होगा, इसका फोर होगा, इसका फाइव होगा, इसका सिक्स होगा। ठीक है, और इसका जो आपका हायर एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पे सिक्स सेवन एट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेवन एट नाइन, ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ये जो सीरीज है बेसिकली इसके साइंटिस्ट के नाम पे ही है, लाइमन जो है लाइमन जी ने डिस्कवर किया था, लाइमन सीरीज के नाम उन्हीं पे डाल दिया गया, फिर बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड हम्फ्री। ये बात हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि इसका जो लोअर एनर्जी लेवल वन होगा तो हायर एनर्जी लेवल इससे ऊपर ही होगा, बाल्मर का लोअर एनर्जी लेवल टू होगा तो इसका हायर एनर्जी लेवल इसके ऊपर ही होगा। ठीक है, ये समझ में आया, इसे लिख लीजिए। यस सर। आलिया आप सीरीज के लास्ट टू के नेम बता सकते हैं? हम्फ्री है, हम्फ्री HUMPHRY से पहले हम्फ्री, एक मिनट रुक जाइए मैं सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे पीफंड फंड, फिर आ जाएगा आपके पास हम्फ्री HUMPHERY ओके। स्लाइड चेंज करते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, एक चीज देखिए यहाँ पे अगर E इज इक्वल टू मैं H न्यू लिखता हूँ इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैमडा लिखता हूं, अगर लैमडा मैक्स होगा
इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्स होगा या मिनिमम होगा? मिनिमम मिनिमम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एनर्जी भी होगा वो भी क्या होगा, आपका मिनिमम होगा कि नहीं, और इसके वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर आपका ई मैक्स हो गया तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी मैक्स होगा और आपका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से देखिए ये यहाँ है, यहाँ है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस वजह से। तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज आपको बोल दिया, फर्स्ट लाइन बोल दिया, ठीक है, फर्स्ट लाइन बोल दिया, या फिर स्टार्टिंग लाइन बोल दिया, या फिर अपने पास इनिशियल लाइन बोल दिया। इनिशियल लाइन मतलब एकदम न्यूक्लियस के पास की बात कर रहा है, और न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम होता है, तो वेवलेंथ इसका मतलब जो लैम्डा होगा वो मैक्स होगा, एंड जो न्यू होगा फ्रीक्वेंसी होगा वो मिनिमम होगा कि नहीं। वैसे ही अपनी लास्ट लाइन की बात कर लेते हैं, लास्ट लाइन जिसको हम लिमिटिंग लाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो टर्म यूज होता है, वर्ड्स यूज होता है, ये कंफ्यूजन वाला होता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ये लास्ट लाइन बोले या फिर लिमिटिंग लाइन बोले या फिर मार्जिनल लाइन बोले, ठीक है, मार्जिनल लाइन, ठीक है। इसका मतलब लास्ट लाइन दूर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि जो लैम्डा होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे एनर्जी उतना इंक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा यानी लैम्डा डिक्रीज करेगा, यानी लैम्डा मिनिमम और एनर्जी मैक्सिमम है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, मैक्स होगा, होगा कि नहीं? यस सर। एक चीज और है, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज को हम अल्फा भी कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज इक्वल टू अल्फा लाइन होगा। सेकंड लाइन जो होता है, इसमें हम पढ़ लेते हैं, सेकंड लाइन ऑफ एनी सीरीज जो होगा उसको हम बीटा लाइन कह देंगे, और थर्ड लाइन ऑफ एनी सीरीज को हम कह देते हैं गामा लाइन। क्लियर है? तो इसे ध्यान में रखिए। Yes, sir. आलिया हो गया आपका? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे क्या आता है कि जैसे मान लीजिए मैंने पूरा लाइन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पहला लाइन, ठीक है, यानी n इज इक्वल टू वन है, n इज इक्वल टू वन है, और यहाँ पे क्या है आपका n इज इक्वल टू टू है, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा n इज इक्वल टू थ्री, n इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, n इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, n इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, n इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 7 कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है कि जैसे फर्स्ट लाइन का आप लोग फॉर्मूला खुद लगाइएगा ना, तो हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन का एनर्जी जो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, दूसरे वाले का आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे वाले का -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, चौथे वाले का जो एनर्जी आप लोग निकालिएगा फॉर्मूला से 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद इसमें आ जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54 है ये, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद आ जाता है आपके पास -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है, ठीक है। ये एनर्जी किससे निकाला मैं, E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से निकाला, क्योंकि ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन में जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जैसे जैसे सेल इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे सेल का नंबर चेंज होगा, वैल्यू रखेंगे, ये सारे एनर्जी आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो पहला वाला है आपका लाइमन कहते हैं इसको, दूसरा वाले को क्या कहते हैं, लाइमन बाल्मर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पाश्चन हो जाएगा, लाइमन बाल्मर पाश्चन, फिर आ जाएगा ब्रैकेट, ठीक है, पी फंड, एंड देन आ जाएगा आपके पास हम्फ्री, क्या आ जाएगा, हम्फ्री। अब यहाँ पे बात होती है स्पेक्ट्रल लाइन की, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन की बात होती है, जैसे एज फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एन इज इक्वल टू सेवन से एन इज इक्वल टू वन पे आने के कितने तरीके हैं, एन इज इक्वल टू सेवन से एन इज इक्वल टू वन पे आने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कहीं से कहीं मूव कर सकता है, या फिर मान लीजिए हमें
पास्ट टेंस से इसमें आना है, तो ये कैसे आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, और यहां से यहां आ सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि यहां से यहां तक आने के कितने रास्ते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे आएगा, और n इज इक्वल टू 2 पे n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा, या फिर n इज इक्वल टू 3 से डायरेक्टली n इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा। इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रल लाइन। तो कभी कभी बोल देता है कि एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू दिस टू n इज इक्वल टू दैट, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो हम बना के कर सकते हैं, या फिर इसके लिए अभी मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, उसके हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे एन का कि कहां से कहां मूव कर रहा है, और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है? Yes. ठीक है, इसे लिख लीजिए। फिर ये एनर्जी डिफरेंस भी याद रख सकते हैं आप लोग, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इस डिफरेंस वाले एनर्जी को भी ध्यान में रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सर वो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ, 0.54 है एक्चुअली, और वो 0.38 है। हाँ, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, और अपने पास आएगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि मैं बता रहा था कहां कहां से कैसे कैसे आएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू, सीधा सीधा एक फॉर्मूला आ जाता है, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, n2 जो है आपका हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल, और n1 जो है आपका वो लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल। अब इसमें एक केस बना देते हैं, जो कि बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं। इफ n1 इज इक्वल टू 1 या ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट में हो तो ये वाला फॉर्मूला भी वैलिड है, लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n2 माइनस 1, क्योंकि n1 को मैंने क्या मान लिया, सपोज ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, तो n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 के जगह 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, विच मीन्स कि n2 माइनस 1 इंटू ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे फॉर्मूला जो आएगा अपना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो क्या आ जाएगा, n2 इंटू n2 माइनस 1 अपॉन 2। ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, n1 के जगह 1 रख देंगे, या फिर ये लगा सकते हैं जब ग्राउंड स्टेट में जाता है तो। ठीक है? Yes, sir. Yes. हो गया? Yes, sir. आलिया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे अब आता अपने पास रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला, और ये बहुत ही आसान होता है रिडबर्ग फॉर्मूला अपने पास। यहां पे एक फॉर्मूला बनता है आपका कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो एन 1 है, एन 1 क्या है आप लोगों का मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एन 1 क्या है, एन 1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है, और एन 2 जो है आपका वो हायर एनर्जी लेवल है। क्या है, एन 1 एन 2, एन 1 लोअर एनर्जी लेवल है, एन 2 हायर एनर्जी लेवल है। दूसरी बात,
कि ये जो R है आपका, जिसका नाम होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, क्या नाम होता है? रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। इसका जो वैल्यू देता है, वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, 1096878 पर सेंटीमीटर होता है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में 1097000 पर सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों, ये देख लीजिएगा, ये पर सेंटीमीटर आएगा क्योंकि देखिए ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, 1/λ, लैम्डा का मीटर होगा तो आर का मीटर इनवर्स होगा, लैम्डा का सेंटीमीटर होगा तो आर का पर सेंटीमीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1097 एंड 4 × 0 पर मीटर होगा, ठीक है, पर मीटर, पर मीटर होगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 × 10⁻⁷ पर मीटर आर का वैल्यू हो जाएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो जेड है आपका, वो क्या होगा आपका, एटॉमिक नंबर होगा, क्या होगा, एटॉमिक नंबर। दूसरी बात कि यहाँ पे जो इसको सॉल्व करने के लिए एक ये होता है, जिसका वैल्यू लिख देता हूं मैं, 1/r का वैल्यू, बेसिकली 1/r का वैल्यू जो होता है वो 9.12 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर होता है, विच मीन्स 912 angstrom, ठीक है। 1/r का जो वैल्यू होता है, ठीक है, जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये काफी यूज होगा, ठीक है। 1/r के जगह सीधे एंगस्ट्रम में डाल देंगे और एंगस्ट्रम को लास्ट में मीटर में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Yes. हो गया आलिया? ओके। इसके बाद अभी हमने स्पेक्ट्रल लाइन सीखा, रेडबर्ग फॉर्मूला देखा, इन सब का क्वेश्चन करें। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है अपने पास, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये वाली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/r इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर, या फिर 1/r इज इक्वल टू 912 angstrom, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ निकालना है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का। तो देखिए बाल्मर सीरीज जो है वो कहाँ है, यहाँ पे है, एन इज इक्वल टू 2 पे है। तो बाल्मर सीरीज का मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था, ध्यान दीजिए, बाल्मर सीरीज में एन इज इक्वल टू 1 पे कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा कि नहीं, एन 1 जो होगा लोअर एनर्जी लेवल जो होगा आलिया, वो कितना होगा, 2 होगा। अब ये 2 से 3 पे जाएगा तभी तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपका 2 वाला, ये तो बाल्मर सीरीज हो गया, इससे ऊपर जाएगा तभी ये फर्स्ट लाइन होगा, इसके ऊपर जाएगा तो सेकंड लाइन होगा, इसके ऊपर जाएगा तो थर्ड लाइन होगा, इसके नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि उसका लोअर एनर्जी लेवल बाल्मर सीरीज का 2 ही होता है।
सर इसका आंसर एंगस्ट्रॉम में चल जाएगा। हाँ एंगस्ट्रॉम में बताइए। 6569 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। 6569। ओके ओके ठीक है, उतने अप्रोक्सीमेशन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर देखिए आलिया एक बार, 1 by lambda इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by lambda इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास r into z square into 1/(n1)² minus 1/(n2)². अब ये जो r का वैल्यू r में ही रहने दीजिए, चेंज मत करिए, जेड मतलब हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर, और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमर से रीच यानी लोअर एनर्जी लेवल इसका 2 का स्क्वायर होगा माइनस फर्स्ट लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए 1 by lambda इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1 by r इंटू 1/4 माइनस 1/9 ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 by lambda इज इक्वल टू r इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 9 6 9 4 36 यहाँ जाएगा 9 4 9 36 और 9 तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे 1 by lambda इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r इंटू 5/36 तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r इंटू 36/5 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं अदिति? यस सर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा अपने पास कि लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे 1/r को 912 एंगस्ट्रम डाल देंगे और ये हो जाएगा 35/6। देखिए जरा ये कैंसिल हो रहा है क्या, 6 1 6 3 बचा, 6 5 6 2 जा। अब यहाँ पे लैम्डा इंटू 152 इंटू 32 35 करेंगे कितना आ रहा है देखिए जरा। एक मिनट अभी बता रहा हूँ, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। 912 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से तो कितना देगा, 152 ही देगा ना। अच्छा ये 36 है, सॉरी एक मिनट कैलकुलेशन इधर उधर, ये 35 नहीं, ओफो यहाँ देखिए यहाँ पे 36/35 है ठीक है आलिया? Yes, sir. अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू अपने पास 1/r का वैल्यू 912 इंटू 36/5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 912 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 6566.4 एंगस्ट्रम लैम्डा का वैल्यू। यस सर। ठीक है नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। यस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लास्ट लाइन इन लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
बताइए क्वेश्चन समझ आ गया, लाइक मुझे पता है इसको कैसे करेंगे, पर जो लास्ट एन वन क्या होगा, एक बात बताइए, एन वन क्या होगा ये बताइए आलिया। जीरो नहीं, लाइमन सीरीज का मतलब एन वन क्या होगा, वन होगा, और लास्ट लाइन बोल रहा है तो एन टू कितना होगा, लास्ट टाइम मतलब पीछे तो जीरो, इन्फिनिटी, जीरो नहीं, लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन, एकदम लास्ट पे इन्फिनिटी तक जाएगा। अदिति यस सर, चलिए इधर देखिए जरा, अदिति हुआ सर? नो सर, ये हो मेरा। देखिए एक चीज तो पता है आपको, एक चीज पता है कि न्यू इज इक्वल टू 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये r को ऐसे ही रखिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/n1 स्क्वायर यानी 1/1 का स्क्वायर, और 1/∞ का मतलब 0 हो जाएगा, 1/ क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, 0 हो जाएगा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इन टू, ठीक है, इन्फिनिटी का 0 हो जाएगा। तो बस देखिए यहाँ पे 1/1 माइनस 0 हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे 1/लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास r, यही बचेगा ना, क्योंकि इसको इसी में मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि न्यू निकालना है, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c by lambda के जगह c into 1/lambda लिख सकता हूं, और यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸, और 1/lambda का वैल्यू r is equal to क्या होता है, 1.1 × 10⁷ पर मीटर, तो यहाँ पे 1.1 × 10⁷, और ये पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहते तो ये भी कर सकते हैं कि लैम्डा का पूरा वैल्यू निकाले, यहाँ पे 1/r आता है, एंगस्ट्रम में लेना चाहे तो एंगस्ट्रम में लेके उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और न्यू इज इक्वल टू फिर यूज करना ही पड़ता है c बाई लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ रख के, c का वैल्यू यहाँ रख के कैलकुलेट करते हैं। मुझे ये दिखा कि इस फॉर्मूले में ही 1/लैम्डा का वैल्यू डालना है, तो डायरेक्ट मैंने r का वैल्यू डाल दिया, बात समझ में आया? Yes, आलिया फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा के टर्म में सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना था, किसका वैल्यू निकालना था,
लैम्डा का, तो एन वन का वैल्यू डाल दिया, एन टू का वैल्यू डाल दिया, जेड का वैल्यू डाल दिया, आर, तो यहाँ पे दिख गया वन बाई लैम्डा, तो यहाँ पे क्या है आपका वन बाई लैम्डा है, तो वन बाई लैम्डा का ही वैल्यू आर के बराबर है, तो आर के बराबर रख दिया मैं वन और टू। क्या कहना चाहती हैं आप? ओके सर, समझ गए। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए एक सवाल और। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट लाइन। एक मिनट रुक जाइए, ये नहीं, ये नहीं, सॉरी अभी तो कराया हूं ये वाला सवाल। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन of Barraquette series in hydrogen spectrum. ना ना रहने दो। सर इसका आंसर 2.1643 एंगस्ट्रॉम है। कितना? 2.1643 एंगस्ट्रॉम। 2.1643। हाँ चलिए, इसके आसपास ही है। आलिया देखिए, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कह रहा है आलिया, ध्यान दीजिए। n इज इक्वल टू टू पे अपना आता है बाल्मर, यही आता है ना? Yes, sir. अब देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट है सॉरी, तो सबसे पहले हम लाइन बनाते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन बनाते हैं, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइमन, ये क्या हो जाएगा लाइमन, ये बाल्मर, ये पास्चन, और ये क्या होगा ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट में एन इज इक्वल टू वन पे फोर है, ठीक है? ब्रैकेट के बाद इसमें थर्ड लाइन निकालना है, तो ब्रैकेट के बाद ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा हुआ, हुआ कि नहीं? Yes, sir. आलिया तो ये देखिए,
ये एन वन इज इक्वल टू फोर है, ये फाइव, ये सिक्स और ये सेवन, तो यहाँ पे क्या पता चला हमें कि यहाँ पे जो लेना है हमें एन वन इज इक्वल टू तो फोर लेना है, लेकिन एन टू जो इज इक्वल टू क्या लेना है, सेवन लेना है. ठीक है, तो वन बाई लैमडा इज इक्वल टू आर इन टू जेड स्क्वायर, वन अपॉन एन वन स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर माइनस वन अपॉन सेवन का स्क्वायर. अब बस वन बाई लैमडा इज इक्वल टू आर को आर ही रखिए, जेड क्या है, वन का स्क्वायर है, 16 माइनस 49. अब बस यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे कि R हो जाएगा यहाँ 16 इंटू 49 हो जाएगा, यहाँ 49 माइनस 16 हो जाएगा, तो 1 बाई लैमडा इज इक्वल टू R इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 33 इंटू 16 इंटू 49 इज इक्वल टू 784. ठीक है, तो लैमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई आर इंटू 784 डिवाइडेड बाई 33. अब ये 1 बाई आर का वैल्यू 912 एंगस्ट्रम में, तो टोटल एंगस्ट्रम में आ जाएगा 784 डिवाइडेड बाई 33 एंगस्ट्रम. अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिएगा, ऐसे ही किया था ना आपने अदिति? यस सर. चलिए हो गया. Yes, sir. आलिया. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट सवाल कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लैम्डा ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज. हो गया. सर 27:5 ये 5:2 क्या लिया है ऊपर आपने, रेशियो क्या लिया, ऊपर लाइमन की लिया है तो नीचे बाल्मर की. यस सर. लैम्डा लाइमन अपन लैम्डा बाल्मर, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक, 27:5 नहीं 5:27 आएगा. Check it out. हाँ बिल्कुल सही. अदिति कहाँ मिस्टेक हुआ? सर वो बाल्मर और लाइमन उसी में ऊपर नीचे मिस्टेक हो गया. हो गया आप सही. यस सर. आगे बढ़े. यस सर. ये बताने की तो जरूरत नहीं ना, यहाँ पे ले लीजिएगा आप लाइमन, यहाँ पे बाल्मर. ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज लेंगे. ठीक है,
जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा, उतना कम वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा. और फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो यहाँ बस कैलकुलेट कर लेंगे आर जेड स्क्वायर, नीचे भी क्या आएगा आर जेड स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा वैसे ही 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर. तो बस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 - 1/4, तो यहाँ और नीचे क्या बचेगा 1/4 - 1/9, तो यहाँ 4 - 1 = 3/4 बचेगा, और नीचे बचेगा 36, यहाँ 5 बच जाएगा. ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं? नहीं, सही है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 × 36/5, तो 5 - 27/5. एक मिनट रुक जाइए, चलो लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज का जब हम करते जाएंगे, तो लाइमन सीरीज वाला जो है, ओके ओके, यहाँ 1/λ वाला होगा आपका, 1/λ होगा, 1/λ होगा, इधर भी 1/λ, 1/λ, तो सीधे सीधे यहाँ पे उल्टा नीचे, ऊपर नीचे हो जाएगा, सॉरी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 5/36 × 4/3, तो यहाँ पे 5:27 आएगा. ठीक है, यहाँ लैम्डा का जो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, वो 1/λ करके आएगा कि नहीं? Yes, sir. तो इस वजह से ऊपर नीचे हो गया था. तो लैम्डा बाल्मर ऊपर चला जाएगा और लैम्डा लाइमन नीचे आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि लैम्डा 1/λ ही तो आएगा, 1/λ = rz² × 1/n1² - 1/n2² समझ आया? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अब स्पेक्ट्रल लाइन पे, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेंगे. अपने पास जो सवाल है, इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6th to 2nd orbit by transition in multi steps, then find out the number of lines in a spectrum. हो जाएगा ये? Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ लाइन 6 है. टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन्स कितना आ गया? 6 आ गया. ठीक है, गलत है. आपका लिया करी. ओके ओके, टेक योर टाइम.
हाँ 10 होगा। देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का इज इक्वल टू क्या होगा, एन टू माइनस एन वन इंटू एन टू माइनस एन वन प्लस वन अपॉन में टू। तो लो हायर एनर्जी लेवल क्या है, 6 है, 6 माइनस टू इंटू 6 माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू 6 माइनस टू 4 प्लस वन 5 डिवाइडेड बाई टू, तो 2 टू जब 4 बाई तो 5 इंटू 10 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आएगा। अदिति कहाँ मिस्टेक हुआ था सर, उसी में शुरू वाले पार्ट में ही गलती हो गई थी। ओके स्लाइड चेंज करूं? यस। चलिए अब अपने पास क्या आता है, हम लिमिटेशन या ड्रॉबैक पढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ द बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल का लिमिटेशन, ठीक है। सबसे पहली बात कि इन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो सबसे पहले लिख देंगे बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इन्होंने। सेकंड कि इन्होंने जो बोला था MVR इज इक्वल टू NS अपॉन 2 पाई, इनको भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था क्यों ऐसा होगा, व्हाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH upon 2 pi has not been explained by Bohr's theory. ठीक है, और भी बहुत सारे थ्योरी थे, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ In the presence of magnetic field, जिसको हम क्या कहते हैं, Gmans effect कहते हैं, Gmans double M होता है, Gmans effect, और यहाँ पे continue कर रहा हूँ magnetic field के बाद, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों स्प्लिट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्क्स इफेक्ट कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। ये बोर्स मॉडल का लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। Yeah.
यस सर। स्लाइड चेंज करूं? आलिया यस। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन एटम इज, ए जो होता है 21/100 R, बी जो होता है 100/21 R, सी जो होता है 21 R/100, एंड द डी इज 100 R/21। हो गया। अदिति 100/21 R। आलिया, अच्छा अदिति ये बताइए, N1 जो है ये तो बाल्मर सीरीज के लिए 2 हो जाएगा, N2 कितना लिया आपने? 5। आलिया आपका आया 1/λ = R(Z²। Z तो हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो 1/λ = R(1/4 माइनस 1/25, तो 1/λ = R(100 और 25 माइनस 4 यानी 1/λ = 21 R/100। तो जाहिर सी बात है लैम्डा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल लेंगे तो 100/21 R। वेरी गुड आलिया। अच्छा, मिस्टेक्स के भी नाम होते हैं, सिली मिस्टेक्स, बिग मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक, ठीक है। ओके ओके, स्लाइड चेंज करूं? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक लास्ट, इस पे फिर हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम N=4 to N=1,
स्टेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, ए जो है 15 है, बी जो है 6 है, सी जो है 3 है और डी जो है अपना 4 है. इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है. हाँ हाँ वही निकालना है. सर 6 है. 6 आलिया आपका. ओके करिए करिए. Six. Very good. Number of spectral lines N2 minus N1 into N2 minus N1 plus 1. ये लगा दीजिए या फिर भाई N2 into N2 minus N1 divided by 2. तो 2 जा 4, 2 into 3 is equal to 6. Similarly ये भी वही हो जाएगा आपका 3 into 4 upon 2 जा 4, 6 ही आएगा. ठीक है, स्लाइड चेंज करूं. Yes. चलिए अब अपने पास जो आता है नेक्स्ट टॉपिक वो आता है आपका वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम. वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, इसमें आपके दो थ्योरी आएंगे. ठीक है, ये दो थ्योरी से बना हुआ है. एक हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल होता है और एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि आपका द मॉडल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग. पहला हो जाएगा आपका डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट या डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं इसको. ठीक है, जो कि होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर पे बेस्ड होता है. डुअल नेचर ऑफ मैटर पे. और जो दूसरा होता है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि डी ब्रॉगली वाले सबसे पहले देखेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम से भी जाना जाता है ये, जैसे कि मैंने बताया. अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे अगर सेंटेंस में लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम. इट्स मोमेंटम वेवलेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम का. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इधर साइड में लिख रहा हूं मैं कि लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ मोमेंटम है. तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी आ जाता है. वेयर जो एच होता है आपका, ठीक है, ये जो पी होता है आपका, पी तो आपका मोमेंटम होता है जैसे कि मैंने बता दिया है. एच जो होता है वही होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट. एंड आई होप कि इसका वैल्यू तक आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक. ठीक है, यस सर.
आलिया ठीक 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 योर टाइम आप लोगों ने फिजिक्स में वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा सर पिछले साल वाला नहीं नहीं इलेवेंथ में नो सर पढ़ा स्लाइड चेंज करते हैं एक मिनट रुक जाइए सर अब देखिए यहाँ पे क्या होता है डी ब्रॉगली जो होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ठीक है सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें हम तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू मैं इजीली लिख सकता हूँ एच अपॉन एम वी लिख सकता हूँ ना क्योंकि पी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास एम वी मास इंटू वेलोसिटी तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे डी ब्रॉगली इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अब यहां पे क्या करेंगे हम कि देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर अब मैंने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय एम ठीक है ऑन आरएचएस राइट हैंड साइड पे ठीक है एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वन बाई टू एम से डिवाइड कर दिया और ये एम वी स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां बन क्या जाएगा ये वन बाई टू एम और यहां हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर जिसको हम ये लिख सकते हैं इजीली वन बाई टू एम और एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए yes, अब ये देखिए यहाँ पे एम वी का मतलब क्या है एम वी का मतलब क्या है मोमेंटम है कि नहीं तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई टू एम और पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बताइए yes. yes, तो यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम के ई हो जाएगा तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के ई हो जाएगा कि नहीं yes, sir. अब हमें पता है ठीक है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है तो एच पी के जगह अंडर रूट टू एम के ई लिख सकता हूं yes, sir. और मैंने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवीएस लिखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ाया था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल yes. तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एम के ई था तो यहाँ पे हम जरूर लिख सकते हैं एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एम ई इंटू वी एस बताइए yes, ये वाला आलिया ये याद है कि नहीं अगर याद नहीं है तो आप लोग इजिली देख सकते हैं वहां पे ये चीज लिखवाया हूं मैं ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक है इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और ये वेलोस ये क्या है वोल्ट है तो पोटेंशियल को हम पोटेंशियल ही रखते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे क्या क्या वैल्यू इलेक्ट्रॉन में रख सकते हैं ठीक है सबसे पहले देखिए H का वैल्यू रख सकते हैं 2 का वैल्यू दे रखा है M का वैल्यू दे रखा है E का वैल्यू दे रखा है इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा जो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए वो आता है अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन V एंगस्ट्रम में आ जाता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन तो ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन का बहुत बार डायरेक्टली पूछा है जेई और नीट में भी तो डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला लगा लेंगी तो आ जाएगा इजीली ठीक है इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर ले देखिए ठीक है अगर अंडर रूट 150 को सॉल्व करें तो ये 12.25 आ जाता है अंडर रूट ऑफ वी आ जाता है एंगस्ट्रॉम ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा निकालने का ठीक है क्लियर है तो ये बस लैम्डा का ही फॉर्मूला है सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी ठीक है फिर हमने एक यहाँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पी का वैल्यू निकाल लिया पी इज इक्वल टू ये भी होता है अंडर रूट टू एम के ई
तो हम इजीली रख सकते हैं वैल्यू कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम के ई, और के ई इज इक्वल टू हमने ये भी पढ़ा दिया ईवीएस, तो ईवीएस लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है ये लिख लीजिए पहले पूरा आप लोग। हो जाए तो बताइएगा, हाँ आराम से करिए। तो नेक्स्ट स्लाइड, ओके टेक यू टाइम। यस सर। स्लाइड चेंज करूं आलिया? यस सर। ओके चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं आज के लिए जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही आसान सवाल। अ बॉल वे वे 25 ग्राम मूव्स विद अ वेलोसिटी of 6.6 into 10 raised to the power 4 centimeter per second. Then find out de Broglie wavelength associated with it. हो गया सर, 4 × 10⁻³ क्या आया? सेंटीमीटर मीटर? सेंटीमीटर। ओके सही है आपका आलिया। देखिए यहाँ पे बस हमें क्या करना होगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर एच का जो वैल्यू रखते हैं 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, क्योंकि सेंटीमीटर में अगर लेना होगा इसको उसी में रखना है, तो इसको हमें अर्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा सीजीएस यूनिट में, और सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? 10⁻⁷ अदिति 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये अर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आसान हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन पी इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन एम वी। अब एच का जो वैल्यू है जूल से किस में कन्वर्ट हो गया? अर्ग में कन्वर्ट हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 अर्ग हो गया। मास जो है 25 ग्राम, तो 25 ग्राम ही ले लेंगे,
और ये वेलोसिटी जो है यही ले लेंगे, ठीक है। अब बस सॉल्व कर लेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाके ऊपर कितना हो जाएगा, 7 ऊपर जाके ये 38 होगा और ये माइनस करेंगे तो ये ऑलमोस्ट ये 1/25 इंटू 10^-31 होगा, यही होगा ना। और ये सॉल्व करके 4 × 10^-33 सेंटीमीटर आ जाएगा। आलिया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके बाद क्वांटम नंबर शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसमें SPDF वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो उसको करेंगे, उसका स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करेंगे, हर चीज उसको एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और ट्यूजडे में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।